सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन होने के चलते अब जो जेलिन अस्पताल है वहां पर आज बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे हैं और मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि लॉकडाउन के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पूरी तरीके से अस्पताल में नहीं हो पाई है। मरीजों की संख्या इतनी लंबी लगी हुई है कि लाइन जो है वो काफी लंबी लंबी अस्पताल के अंदर लग चुकी है और ऐसा बताया जा रहा है कि अस्पताल के अंदर जो पर्ची का काउंटर होता है जहां पर मरीज आकर रजिस्टर अपना कराता है, संख्या पंजीयन संख्या लेता है, वो काउंटर एक ही काउंटर आज यहां पर था और उसी के चलते यहां पर लंबी लाइन देखी गई है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आज किसी भी शनिवार और रविवार को अस्पताल के अंदर इतनी भीड़ नहीं थी, अवकाश के चलते भीड़ कम रहती है, लेकिन आज जब सोमवार हुआ तो यहाँ पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत संख्या के अंदर मरीजों की भीड़ लग गई। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी हो गई है कि बाहर पूरे शहर की सड़कों गलियों को देखना है, एक तरीके से लॉकडाउन की पालना करवानी है, और वहीं अब अस्पतालों को भी पुलिस को संभालना होगा। अस्पताल के अंदर भी मरीजों की संख्या बड़ी संख्या में लंबी लंबी लाइनें ना लगे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, इसके लिए पुलिस को अब अस्पताल की ओर भी रुख करना पड़ रहा है, पुलिस को अस्पताल के अंदर की व्यवस्थाओं को संभालना पड़ रहा है। जैसे ही सूचना अजमेर सीओ नॉर्थ को मिली है डॉक्टर प्रियंका को, उसके बाद वो तुरंत अपने पुलिस के जवानों के साथ यहाँ पर आई और यहाँ पर आकर उन्होंने मोर्चा संभाला और उसके बाद लोगों को समझाया कि आप अस्पताल आइए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पूरी तरीके से कीजिए। इसके साथ ही अस्पताल में भीड़ इतनी ज्यादा थी तो वाहनों को अस्पताल के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, वाहनों को बाहर ही रखा गया और उसके साथ जिन जिन मरीजों के साथ पे जो जो परिजन और साथ में आए थे उन तमाम परिजनों को बाहर ही रुकाया गया। इसके साथ में सिर्फ और सिर्फ मरीजों को ही अस्पताल के अंदर अलाउड किया गया है। एमपीटीवी इंडिया तमाम ऐसे मरीज और उनके जो परिजन हैं उनसे ये अपील करता है कि जब हालात बहुत ज्यादा विकट हों तभी अस्पताल पहुंचे इस दौरान, और अगर दवाइयां है लोगों के पास में जरूरी नहीं है कि इस वक्त अस्पताल आया जाए, लेकिन हाँ आपके घर में अगर बहुत सीरियस कंडीशंस के दौरान आपके मरीज इस वक्त हैं, परिजन है, तो उनको अस्पताल लेकर जाएं, लेकिन वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क पहनकर जाएं और कोशिश करें कि सैनिटाइजर अपने साथ में लेकर जाएं, क्योंकि अस्पताल में इस वक्त जो भीड़ है वो संख्या बढ़ चुकी है, लोग काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, उसके चलते अभी तक ये किसी को पता नहीं कि कौन व्यक्ति संक्रमित है कौन नहीं है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ाई से पालना करनी है। और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है इस वक्त कि उनको बाहर की स्थिति भी देखनी है, सड़क की स्थिति देखनी है, गलियों की स्थिति देखनी है, दूसरे इलाकों की स्थिति देखनी है और वहीं अस्पताल की स्थिति भी देखनी है। और इसके साथ साथ एक चुनौती और पुलिस के लिए हो जाएगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान करेंगे, लॉकडाउन में थोड़ा सा कुछ ढिलाई देने की घोषणा करेंगे, तो उसके बाद जहां जहां ढिलाई बरती जाएगी, जहां जहां की अनुमति दी जाएगी, उन इलाकों के अंदर भी, उन क्षेत्रों के अंदर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना कराना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। खैर, पुलिस इसके लिए तैयारी कर रही है कि अस्पताल के यहाँ पर क्या व्यवस्था दी जाए और इसके लिए जो अस्पताल अधीक्षक हैं उनके पास भी मामला पहुंच चुका है और उसके बाद अब ये तय किया जाएगा कि अस्पताल के अंदर क्या कोई नई व्यवस्था लागू की जा सकती है जिससे कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या के अंदर मरीज अस्पताल ना पहुंचे। कार्डियोलॉजी और जो आउटडोर है उसमें मंडे के दिन सामान्य तौर पर भी भीड़ रहती है, कल संडे था तो लोग आज कुछ नॉर्मल डे से ज़्यादा संख्या में आ गए हैं, जिनको कुछ उचित डिस्टेंस रखते हुए खड़ा कराया है और जो भी परिजन जिनका यहाँ काम नहीं था उनको हमने ये निवेदन किया है कि वो लोग बाहर वेट करें, अस्पताल में नहीं रहें। अस्पताल के अंदर आने वाली गाड़ियों को बाहर ही रुकाया जा रहा है। अस्पताल के अंदर ऑलरेडी गाड़ियाँ हैं, अब जगह नहीं है इसलिए बाहर पार्किंग में खड़ा कराया जा रहा है। एक्चुअली एक हम लोगों का मीटअप ग्रुप चलता है, उसके अंदर से इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। जब पता किया गया तो पता चला कि कल और सैटरडे और संडे छुट्टी होने की वजह से आज जो पेशेंट्स हैं उनका इन्फ्लक्स ज़्यादा है, तो उसकी एक व्यवस्था करवा दी गई है, लाइनों में डिस्टेंसिंग करा दी गई है। कोशिश कर रहे हैं कि जितने कम जने अंदर आ सकें, फैमिलीज़ और जो परिजन हैं उनको थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर किया और यहाँ पर व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि सब मास्क पहन के रहें, लेकिन अब सारे पेशेंट्स हैं, सब दिखाने आए तो कोई बहुत ज़्यादा सख्ती हम कर देंगे। बच्चे काउंटर जो बताया जा रहा है एक ही काउंटर के चलते भीड़ हुई है काफ़ी। वो कल छुट्टी थी और आज पेशेंट ज़्यादा हैं, इससे पहले तो ऐसी व्यवस्था 21 दिन में आई नहीं है,
ये पहली बार है कि इतना ज़्यादा नंबर आया है, तो हम भी देखते हैं कि इसको किस तरीके से।